वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में कहाँ पे मोमेंटम हुआ था और हम लोग मंडे के दिन क्या प्लान कर सकते हैं। तो आज सैटरडे का दिन है तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग मंडे के दिन कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे 50 मिनट के में देख रहे हैं बैंक निफ्टी को। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे जो इसका हायर है वो कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ से जी इसने हाई बनाया था, सेकंड ये बनाया, थर्ड यहाँ पे इसने बनाया और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस डे यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हुआ बट यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग आया। यानी यहाँ पे सेलर हर एक यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस पे एक्टिव है। यहाँ पर भी सेलर यहाँ पे एक्टिव थे, जो ये एक ट्रेड लाइन आप देखेंगे तो यहाँ से आ रहा है तो कहीं ना कहीं सेलर इस यहाँ पे अभी भी एक्टिव है यहाँ पर और बायर ट्राई कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो 44,000 जो 600 का जो राउंड लेवल है यहाँ पे वहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग हैपनिंग हुआ है। जो लास्ट यहाँ पे आवर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा बैश ऊपर की ओर लेकर गया है। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे आप बात करेंगे तो आप देखोगे तो एक ट्रेड लाइन यहाँ पे भी मार्क करेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक ट्रेड लाइन पे भी मोमेंटम कर रहा है। कल के दिन इंटरेस्टिंग हो सकता है गाइस, अगर यहाँ पे कहीं मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस रेंज के आसपास और अगर यहाँ पे थोड़ा आवर करके अगर इसे ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। जो ये 45,400 तक का भी यहाँ पे हम लोग को मार्केट हाई लगाते हुए मिल सकता है गाइस। बात कर ले नीचे की साइड पर तो नीचे की साइड पर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। जब मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है और देन इसे अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग फिर नीचे के साइड पे यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। और यहाँ पे आप जो देखेंगे 44,000 जो 400 का यहाँ पे लेवल है, अब हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और देन सेकंड टारगेट हम लोग 44,200 का यहाँ पे बंद यहाँ पे लेवल लगा सकते हैं गाइस। तो ये रहेगा हमारा बैंक निफ्टी में प्लान करने के लिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर देखेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे निफ्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे बैंक निफ्टी के कंपेयर में। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्राइंग को रिमूव कर दे रहा हूँ और इसे हम लोग डेली कैंडल में देख लेते हैं। ओके, डेली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन किया है गाइस निफ्टी में। ये यहाँ से एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद आप देखेंगे तो कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग आया हुआ है, देन यहाँ पे टाइम आवर किया है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे दे चुका है डेली कैंडल में। तो मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन होता है और देन इसे वापस ब्रेक करेगा इस हाई को तो हमें एक और भी यहाँ पे हाई देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पे आप देखेंगे तो 19,800 का भी जो राउंड लेवल है यहाँ तक का भी मार्केट हमें मिल सकता है जाने के लिए। तो इसमें हम लोग 50 मिनट में बात कर लेते हैं हमारे पास लेवल्स कौन सा रहेगा जिसमें हम लोग कल के दिन प्लान कर सकते हैं। तो लेवल्स की मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो आप देखेंगे तो इसमें भी एक ट्रेड लाइन कहीं ना कहीं यहाँ चल रहा है, जो ये ट्रेड लाइन है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ट्रेड लाइन एक है जहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आया था, देन सेकंड टाइम आया और यहाँ पे ये थर्ड टाइम रिजेक्शन आ सकता है। बट अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे टाइम आवर करता है और देन ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे अपसाइड के लिए मिल सकता है, कंटिन्यू मार्केट ऊपर निकल सकता है। सेलिंग के लिए अगर हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे तो सेलिंग के लिए हम लोग कुछ इस लेवल के नीचे ही प्लान करेंगे जहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाइंग देखने को मिला हुआ था। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन होता है और यहाँ पर अगर इसे नीचे ब्रेक करेगा तो हम लोग कंटिन्यू सेलिंग के प्लान करेंगे और जो एक अच्छा हम लोग को टारगेट दिखा सकता है जो फर्स्ट ये रहेगा और देन सेकंड हमारे पास ये लेवल्स रहेगा यहाँ पे निफ्टी में गाइस। बात कर लेते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी के लिए, तो सबसे पहले ड्राइंग को रिमूव कर ले रहे हैं और निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम एक अच्छा खासा हम लोग देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं हर एक रेजिस्टेंस पे सेलिंग हो रहा है बट यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट आवर में यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आया हुआ है। तो बायर्स कहीं ना कहीं इस लेवल पर बायर यहाँ पे एक्टिव है और इस लेवल से हम लोग को एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे मार्क करेंगे तो आ रहा है। तो कल के दिन अगर मार्केट कहीं इस रेंज में फ्लैट ओपन होता है और देन अगर इसे ब्रेक करेगा तो हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। जो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे रहेगा और जो टारगेट है वो 20,150 का रहेगा और देन सेकंड टारगेट अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा 20,250 का रहेगा इसमें। और कल अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे और सेलिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल आया हुआ था जो 19,900 तक का था। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है तो फिर हमें 19,800 का भी यहाँ पर आप देखेंगे तो लेवल देखने को मिल सकता है गाइस। तो फिन निफ्टी में हम लोग इस तरह से प्लान कर सकते हैं मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।